हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस घंटे को, लाइक एंड शेयर कीजिए, शुक्रिया। हाय दोस्तों, ये है प्लेट वाइब्रेटर जिसको कि आप देख रहे हैं। जब स्लैब पड़ता है तो इससे जो भी मटेरियल डाला जाता है, कंक्रीट का जो भी मटेरियल होता है, उसको लेवलिंग किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो भी स्लैब पड़ते हैं, जिस टाइम पे छत पड़ रही होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसको प्लेट वाइब्रेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया, जिन लोगों को नहीं जानकारी है, तो इसमें एक नीडल वाइब्रेटर और प्लेट वाइब्रेटर का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी में तो ये इंजीनियर खड़े हैं, इनकी देख रेख में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। तो जैसे प्लेट वाइब्रेटर जब मटेरियल डाला जाता है, तो पहले नीडल वाइब्रेटर जैसे वो लास्ट में लड़का कर रहा है, उससे क्लियर कर दिया जाता है। बाद में ये प्लेट वाइब्रेटर इसको चलाया जाता है पूरी छत पर, और जो वर्क बचता है उसको एक मिस्त्री जो होता है, उसके जो महीन काम होता है, उसको भी वो बराबर, जैसे ये मिस्त्री साफ कर रहे हैं तो ये देखिए, उसको लेवल को और ज़्यादा जो चीज़ रह जा रही है उसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो जो कंस्ट्रक्शन का स्लैब पड़ रहा होता है, उस टाइम पे प्लेट वाइब्रेटर एंड नीडल वाइब्रेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, स्लैब इससे लेवल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी सोसाइटी बन रही है, उसको आप देखिए किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं। जैसे इंजीनियर साहब हैं और इनके ऊपर भी सुपरवाइज़र सर जो हैं यहाँ के, जो सारी मॉनिटरिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो सारे लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग प्लान कीजिए हमारी सोसाइटी में। और ये तो मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक वीडियो क्लिप बना दिया है, ताकि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की भी जानकारी रहे। बाकी एक मैं वीडियो ऐसा भी बना रहा हूँ जिसमें सारा इन लोगों के बारे में सारा दिखाया गया किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी सोसाइटी में प्लान कीजिए आप लोग मकान लेने के लिए। और यहाँ इस सोसाइटी में 3200 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, और नवरात्रि में कुछ ऑफर्स भी चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये सुपरवाइज़र हैं कंस्ट्रक्शन के, और पीछे जो होते हैं इन सब को मॉनिटरिंग करने के लिए प्रवीण जी भी खड़े हुए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मिस्त्री साहब, उसको जो भी चीज़ों की कमी प्लेट वाइब्रेटर में रह जाती है, उसको बिल्कुल बराबर से लेवलिंग करते हैं। और इस तरीके से जो आपको जो मकान रेडी मिलता है, उसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो काम किए जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।